क्यों वेलकम बैक टू माय चैनल दर्शन की दुनिया। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। और मैं आज इन्जॉय कर रही हूँ अपने किचन में, और मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चिकन बोनलेस हांडी अपने हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए बन रही है बिरयानी क्योंकि मेरी बेटी का दिल चाह रहा था। तो ये बिरयानी की तैयारी हो गई और ये नज़र आ रही है आपको आज। बाकी मेरे हस्बैंड जो है वो बिरयानी नहीं खाते थे शौक से, तो मैंने उनके लिए बनाई है ये चिकन बोनलेस हांडी। और ये बहुत मज़ेदार बनती है, कुछ तो ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है। बस मैंने चिकन को बोनलेस किया और उसको अदरक लहसुन के साथ जो है मैं ये फ्राई कर रही हूँ, तो आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद मेरे पास छोटे छोटे से मेरे अपने किचन गार्डन के देखें कितने सारे माशाल्लाह से टमाटोज़ हैं, और लेकिन इनका साइज भी कितना प्यारा है छोटा छोटा सा। तो बस ये मैंने तीन चार कट कर लिए हैं, बाकी देखे तो सारे माशाल्लाह मेरे पास जमा हो गए। तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं इनको अपने हाथों से तोड़ कर लाती हूँ। तो अदरक लहसुन के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और डालूंगी इसमें हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, और फिर इसको थोड़ी देर में पानी में टमाटरों के और दही डाल दूँगी थोड़ा सा, और इसको गला दूँगी। तो ये बड़ा अच्छा सा बनता है। फिर इसके आगे क्या करूँगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चने में नेक्स्ट स्टेप्स में जो है मसाले वगैरह डाल रही हूँ जो मैंने आपको बताया, और बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार है। इसमें क्रीम जाएगी और थोड़ा सा बटर जाएगा, इतनी बड़ी मज़ेदार सी बड़ी चीज़ हांडी बनती है। आप लोग भी बनाएँ और बस मज़े करें। ये सारे मसाले जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए, जिसमें मैंने लिया लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा दही, और ये इसी दही और टमाटर की जो है पानी में चिकन सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम इसकी ज़रा भुनाई करेंगे, और इसमें डालेंगे कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, काली मिर्च पाउडर, और जनाब जाएगा इसमें हरी मिर्चें, धनिया वगैरह, और सबसे आखिर में इसमें जाएगा मक्खन और थोड़ी सी क्रीम। बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाएगा। जब बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, बहुत ही ईजी रेसिपी है। और ये सब बस आप लोग बनाएँ, बहुत मज़ेदार बनती है। मैं हांडी में नहीं बना रही हूँ, हांडी में बनाएंगे वैसे बनाने पैन में उन पर ही। और अब मैं जा रही हूँ अपनी बिरयानी की तरफ, क्योंकि मेरी बिरयानी का पानी बचा होता हो ज़बरदस्त सब बॉयल। तो बस अब मैं इसमें चावल डालूँगी, और जब तक मेरी ये हांडी जो है पकती रहेगी हल्दियर के चूल्हे पर। अब देखिए व्यूअर्स, ये टमाटर और दही का अच्छा खासा इसमें पानी है, इसमें गलती रहेगी। और मैंने थोड़ा स्लो रखा है, और जब मट्टी की हांडी बनाते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हॉट होती है, इसमें बहुत अच्छा बनता है खाना। तो बस ये हैवी हांडी तो हांडी में बनानी चाहिए। बस मैंने इसलिए बनाई है, ये छोटा सा पॉट मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ वैसे खाना में, थोड़ी कम क्वान्टिटी में ही बनता है, और जब दो डिशेज बनती है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो खैर ये जब गल जाएगा और अच्छी तरीके से ऑयल छोड़ देगा, तो मैं इसमें डालूँगी कुटा हुआ धना हुआ जीरा, काली मिर्च पाउडर, और जनाब क्या डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, हरी मिर्च, और सब डाल के आखिरी में इसमें हम क्रीम और बटर डाल देंगे, और हांडी हो जाएगी तैयार। तो आप हम इसे कर सकते हैं कवर, और आपको दिखाते हैं आगे क्या हो रहा है हमारे किचन में। हमारे चावल हो रहे हैं बॉयल, राइट। तो बस चावल बॉयल हो जाएंगे, बस हम स्टीम करेंगे, और मसाला हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए ये हमारे चावल नज़र आ रहे होंगे आप। बिरयानी बनाना तो बहुत आसान काम है, और मेरी बेटी का बहुत दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का, तो सर भैया बिरयानी बनाने चाहते हैं। जब बच्चे फरमाइश करते रहते हैं ना तो बहुत ईजी हो जाता है खाना बनाना, वरना तो सोच सोच कर ही मैं और मेरी बहू जो है ना, बस वो मुझसे कहती है मम्मा बताएं मैं बना लूँगी, मैं कहती बेटा तुम बता दो मैं बना लूँगी। बस इस तरह से हम दोनों का चलता रहता है रोज़ाना कुछ ना कुछ, खैर फिर कुछ ना कुछ बन ही जाता है, ऐसा नहीं है लेकिन अक्सर ये होता है। मैं बोलती हूँ, मैं कहती भाई मैंने कल बनाया था, मैंने पूछा था तो कहती अच्छा आज बता दें, तो बड़ा अच्छा लगता है। बस घर में सब चीज़ें, और सबसे बड़ा मसला होता है क्या पकेगा, ये बड़ा मसला है। कोई एक बंदा भी फरमाइश कर दे ना तो मेरी और मेरी बहू की ज़िंदगी जो बहुत आसान हो जाती है उस दिन, या दावत होती है तो फिर जाहिर है मेन्यू सेट हुआ होता है, तो मैंने ये सही रहता है, अभी पता होता है ये बनाना है हमने बस आज। तो बस ये बिरयानी अभी हो जाएगी रेडी, चावल हो गए बॉयल तकरीबन, और बस मैं इसको चावल को ड्रेन आउट करूँगी, और
मसाला वगैरह डाल के इसको दम कर दूँगी तो दोनों चीज़ें चलते फिरते हो गई तैयार। भाई वैसे तो मैं बहुत मरतबा बता चुकी हूँ मेरी बिरयानी की रेसिपी, लेकिन ये होता है कि भाई नए भी लोग आ रहे हैं और नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और उन्होंने अगर पहले नहीं देखी मेरी बिरयानी की रेसिपी तो बहुत ईजी है। शान मसाले से मैंने इसका मसाला बनाया है, ये आपके सामने है। सब चीज़ें डालनी है, आलू उबाल के डाल दिए और बस ये अब सालन मैंने इसके नीचे डालने के बाद मैं इस पर डायरेक्ट डाल दूँगी राइस। ये मेरा राइस है उबले हुए तैयार, बस और लगा दूँगी दम, थोड़ा सा डाल दूँगी केवड़ा और कलर और बिरयानी हो जाएगी रेडी। तो ये बहुत ईजी रेसिपी है, इसे फॉलो करें। इसमें मैं कोई तय वह नहीं लगाती हूँ, बस मेरी ये देगे टाइप की बिरयानी होती है और जिन लोगों ने भी बनाई है मेरी रेसिपी से बिरयानी उन सबको बहुत अच्छी लगी है, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड वॉच और देखें अच्छी अच्छी रेसिपीज, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें, बस शॉपिंग, घूमना फिरना, बर्थडे पार्टीज, हर चीज़ मेरी चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। एंजॉय करें मेरे साथ और मैं भी आप लोगों के साथ एंजॉय करती हूँ क्योंकि ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा, इसलिए इसको अच्छी तरह जियो। तो ये मैंने बिरयानी जो है मिक्स कर दी है क्योंकि मेरी बहू को लग रही थी बहुत भूख, तो मैंने उसको थोड़ा तेज़ दम किया और बिरयानी हो गई रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। इसके साथ जो मैं बना रही थी हांडी उसका भी लुक आप लोग देख लें। मैंने थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑफ कर दिया था क्योंकि मैं बिरयानी दम दे रही थी और अब इसमें मैंने लास्ट में आपको नज़र आ रही होगी ये क्रीम है, हरी मिर्चें हैं और ये चंक्स आपको बटर के नज़र आ रहे होंगे। आज मियाँ को खूब मक्खन लगा रही हूँ मैं, समझ गए ना आप लोग सब मस्ती की बातें और ऐसी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, तो थोड़ा ये है कि नेचुरल भी कभी कभी बोलना चाहिए, इतना बनना संवरना बन बन के बोलना यार मेरे बस की बात नहीं है, तो अब ये कि आज थोड़ा सा चेंज आएगा। एनीवे और इसमें मैंने काली मिर्च, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा हाफ हाफ टी स्पून और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया और अब मैं दोबारा फ्लेम ऑन कर रही हूँ और अब ये बिल्कुल हो जाएगी रेडी। तो चलें जब तक मैं बिरयानी इंजॉय करती हूँ, हस्बैंड अभी आए नहीं और जब तक वो आएंगे जब तक ये हांडी तैयार हो जाएगी और बिरयानी देख के मेरे मुँह में आ रहा है पानी, तो मुझे लग रही बहुत शदीद भूख, तो बिरयानी मैं और मेरे बहू जो हैं हम दोनों इंजॉय करने जा रहे हैं और साथ साथ इसको भी रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने चूल्हा जो है वो फ्लेम्स का ऑफ कर दिया, उसके बाद ही पक रही है और मेरे हस्बैंड आ गए, अब मैं उन्हें दे रही हूँ खाना और बना रही हूँ अपनी रोटी, बस बिरयानी भी तैयार हो गई, खाना भी चल रहा है साथ साथ सब कुछ हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस इसी तरह से अब हमारा डिनर कम्प्लीट हो गया और रायता हो गया तैयार और बिरयानी भी रेडी है, तो चले मैं आपको बिरयानी का भी लुक दिखाती हूँ। भाई बहू को हम इतनी देर से आवाज़ें दे रहे हैं, वो शायद कहीं बिजी हैं बच्चों के साथ और उन्हें भूख भी लग रही है और उनसे ज़्यादा अब हमें भूख लग रही है, हमें भी चक्कर आना शुरू हो गए दरअसल, तो हमने सोचा भाई हम तो शुरू हो जाएँ, अब वो आएँगी तो वो भी आगे खा लेंगी। भाई हमारे तो ऐसे होता है जिसको भूख लगती है वो खा लेता है, कोई इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है कि एक दूसरे का वेट करते हैं, तो भाई हमें लग रही है भूख तो हम कर रहे हैं बिस्मिल्ला और आप लोग भी आए हमारे साथ करें मज़ेदार सी बिरयानी इंजॉय और हमारी रेसिपी से बनाइएगा बताइएगा कि भाई आप लोगों को कैसी लगी। तो चलें आज मैंने थोड़ी सी सॉफ्ट बनाई है बिरयानी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था थोड़े से सॉफ्ट चावल खाने का, वरना मैं बहुत खिली खिली बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन आज बस मेरा मूड था कि मैं थोड़ी सी सॉफ्ट बनाऊँ, कभी कभी अच्छी लगती है सॉफ्ट भी। चलें भाई अब हम खाना खा रहे हैं। जी व्यूअर्स तो कैसी लगी आज की शेयरिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें, यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस मुझे रख के अपनी दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।